हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा भी पार्टी है, ऐसे में बेवजह पूछताछ के मामले को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जिन से अपना काम कर रही है और इस पर किसी को कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम देकर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह को भी अपमानित कर रही है, जो देश की आजादी के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मामले को लेकर बेवजह की राजनीति कर रही है। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को भी अपमानित करने के आरोप लगाए। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि गांधी परिवार ने कुछ गलत ही नहीं किया है तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की जांच से डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। एक और तो कांग्रेस पार्टी रक्षा के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसके खिलाफ जो हल्ला बोल या प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेषकर गांधी परिवार, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है। कोर्ट ने भी इस मामले में प्राइमा फेसी भ्रष्टाचार होने की आशंका व्यक्त की, और ये उसी समय हुआ जब देश में यूपीए की सरकार थी। और वैसे भी हम सब जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते से 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट को दिए गए और वो लोन फिर माफ किया गया, उनके कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा, नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष मोतीलाल वोहरा, उसको लोन देते हैं और फिर वो कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा वो लोन माफ करते। स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। और मैं इस मामले को और भी गंभीर इसलिए मानता हूं कि राजनीतिक दलों का फंड कार्यकर्ताओं द्वारा, देश की जनता द्वारा एकत्रित होता है। कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने सरकारों में रहते हुए तो घोटाले किए ही, भ्रष्टाचार किया ही, परंतु संगठन में भी कार्यकर्ताओं और जनता के पैसे की लूट की है। इसलिए इस मामले पर प्रदर्शन करना या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उन राष्ट्रीय नेताओं का बचाव करना जो उनके ही पैसे की लूट करते रहे, बहुत ही हास्यास्पद है। इसकी कड़ी निंदा करती है और मानती है कि अगर कांग्रेस नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है तो घबराने की आवश्यकता क्यों है। इस तरह प्रदर्शन करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी संस्थाओं को प्रभावित करने की आवश्यकता क्या है। पूछताछ होने दीजिए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो साफ तौर पर बाहर आएंगे, और अगर उन्होंने गलत किया है तो चाहे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी प्रदर्शन कर लें, जो भी सत्याग्रह कर लें, वो बच नहीं पाएंगे। इस आंदोलन को सत्याग्रह का नाम देकर उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए सत्याग्रह किया था, और यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के समर्थन में सत्याग्रह हो रहा है। कांग्रेस के लोग सत्याग्रह जैसे शब्द का भी अपमान कर रहे हैं, और सत्याग्रह
की शुरुआत करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी चुप बैठे रहे और अब हमारी सरकार जिसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं उसके खिलाफ चार्जशीट देने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जमानत पर हो, जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा जमानत पर हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरा हो, वो पार्टी साफ छवि वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ईमानदार सरकार के खिलाफ अगर चार्जशीट की बात करती है तो इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कांग्रेस चुनाव को नज़दीक देखकर इस तरह की चार्जशीट लाने की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल ईमानदारी से शासन किया है और ईमानदारी से काम किया है, इसलिए कांग्रेस की इस चार्जशीट की धमकी से कोई घबराने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इन दोनों सरकारों की उपलब्ध जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का जहां सम्मान किया जा रहा है, वहीं उनको आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करना है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके अलावा हमारी हिमाचल सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में 75 कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक कार्यक्रम होगा जिसमें तब से अब तक, जब से हिमाचल गठित हुआ है तब से अब तक हिमाचल की विकास यात्रा को अनेक विभागों की प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और वहीं पर जनता को जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री या अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से जो है जनता को हिमाचल की इस विकास यात्रा के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में भी, हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है इसलिए उस दिन हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने दिया है, उसको सफल बनाने के लिए भी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरा योगदान देगी। और ये दोनों कार्यक्रम वैसे तो सरकारी स्तर पर होंगे पर इनको कामयाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग देगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, जिस तरह से उन कार्यक्रमों में भीड़ जुट रही है और जिस तरह से हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।